ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 29 मार्च 2019 शुक्रवार का दिन है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एवं धनु राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दही या जौ खाकर की यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रमा जो कि धनु राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु, इन 5 राशि वालों को होगा अचानक फायदा। कार्यक्षेत्र में फायदा हो सकता है। पारिवारिक रूप से यदि कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसमें भी इनको फायदा होने का योग है। साथ ही ये यदि व्यापार करते हैं तो वहां पर अचानक कुछ ऐसे सौदे इनके हो सकते हैं जिसके कारण इनको अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही यदि ये लोग नौकरी में है तो वहां पर इनकी पदोन्नति का योग बनेगा, या फिर धन लाभ, या फिर इनकी आमदनी बढ़ने का योग बन सकता है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है आपको, उसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।